दोस्तों 2017 के इंडिया चाइना डोकलम क्राइसिस के बाद सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे इंडिया का चिकन नेक कॉरिडोर भी कहा जाता है, एक अहम स्ट्रैटेजिक लोकेशन बन चुका है। वेस्ट बंगाल में लोकेटेड 60 किलोमीटर लॉन्ग और 20 किलोमीटर वाइड सिलीगुड़ी कॉरिडोर इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को मेनलैंड इंडिया से कनेक्ट करता है। ये कॉरिडोर न केवल इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट है, पर इंडिया के लिए गेटवे टू साउथ ईस्ट एशिया के रूप में भी एसेंशियल है। मल्टीपल कंट्रीज जैसे बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, चाइना इस रीजन को सराउंड करते हैं, जिससे इसका सिग्निफिकेंस और भी बढ़ जाता है। इंडिया के स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट और रिसेंट डेवलपमेंट्स ने इंडियन गवर्नमेंट को फोर्स किया है कि वो इस नैरो स्ट्रिप पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें। आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं इस कॉरिडोर की बेसिक जियोग्राफी, टेरेन और जियो स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस को। साथ ही हम जानेंगे कि किस प्रकार चाइना ने नेबरिंग कंट्रीज में हैवली इन्वेस्ट कर हमारे इस स्ट्रैटेजिक जोन को खतरे में डालने की कोशिश की है। हम देखेंगे बांग्लादेश का इस कॉरिडोर को सिक्योर बनाने में क्या इंपॉर्टेंस है। इसी के साथ हम भारत द्वारा लिए गए मेजर्स पर भी एक नज़र डालेंगे। इस रीजन के स्ट्रैटेजिक एस्पेक्ट्स को पढ़ने से पहले चलिए हम इस रीजन की बेसिक ज्योग्राफी को जान लें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदर्श और स्वागत है आपका स्टडी IQ में। सिलीगुड़ी कॉरिडोर या चिकन नेक एक नैरो स्ट्रेच ऑफ लैंड है जो इंडियन स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल में लोकेटेड है। हिस्टोरिकली ब्रिटिशर्स ने इस कॉरिडोर का निर्माण ट्रेड के लिए किया था। थिन लाइंस द्वारा मेनलैंड इंडिया को नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी से कनेक्ट किया गया। इसी लाइन को अब इंडिया का चिकन नेक या सिलीगुड़ी कॉरिडोर कहा जाता है। दोस्तों ये कॉरिडोर रफली 60 किलोमीटर लॉन्ग और 20 किलोमीटर वाइड है। ईस्टर्न पार्ट थोड़ा वाइड है, वहीं वेस्टर्न पार्ट का नैरोवेस्ट पॉइंट नेपाल और बांग्लादेश के बीच है, जो केवल 17 किलोमीटर लॉन्ग स्ट्रेच है। इस रीजन का लोकेशन कुछ इस प्रकार है। नॉर्थ में सिक्किम, भूटान और चाइना लोकेटेड है, वहीं वेस्ट में नेपाल, साउथ में बांग्लादेश और ईस्ट में असम लोकेटेड है। तिब्बत की चुंबी वैली इस रीजन से सिर्फ 130 किलोमीटर दूर है। इस चुंबी वैली के टिप पर पाया जाता है इंडिया, चाइना और भूटान का ट्राई जंक्शन या डोकलाम रीजन, जो एक स्टैंड ऑफ पॉइंट बन चुका है। ये कॉरिडोर दार्जिलिंग जलपाईगुड़ी से एक्सटेंड करते हुए वेस्ट बंगाल के तराई एरियाज तक एक्सटेंड करता है। इस कॉरिडोर के नॉर्थ में हिमालयन माउंटेन्स पाए जाते हैं, जैसे माउंट कंचनजंगा जो इंडियन नेपाल बॉर्डर पर सिचुएटेड है। ये माउंटेन्स दो मेजर रिवर्स के सोर्स हैं, तीस्ता और जलधका, जो इस कॉरिडोर से पास होते हुए बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र रिवर के साथ मर्ज होते हैं। ये कॉरिडोर वेस्ट बंगाल के तराई रीजन में लोकेटेड है। यहाँ पर सैंडी सॉइल पाया जाता है जो टेक्सचर में काफ़ी लूज होता है, इसी कारण यहाँ रेलवेज और रोडवेज कंस्ट्रक्ट करना डिफिकल्ट है। नॉर्थ ईस्ट रीजन रिकॉर्ड रेनफॉल विटनेस करता है, जो उस रीजन को नेचुरल डिजास्टर्स जैसे अर्थक्वेक और लैंडस्लाइड से थ्रेटन करता है। यहाँ अराउंड 50 मिलियन पॉपुलेशन है और एथनिकली नेपाली और बंगाली इमिग्रेंट्स अधिकतर पाए जाते हैं। बांग्लादेश के प्रॉक्सिमिटी में होने के कारण यहाँ इलीगल माइग्रेंट्स द्वारा डेमोग्राफी को चेंज करने का प्रयास हो रहा है। इस रीजन की बेसिक ज्योग्राफी को समझने के बाद चलिए अब हम एक नज़र इसकी इंपॉर्टेंस पर डालते हैं। यदि हम इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से देखें तो ये कॉरिडोर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स और मेनलैंड के बीच एक इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट है। साथ ही इन स्टेट्स को सिर्फ एक ही रेलवे फ्राइट लाइन द्वारा मेनलैंड से कनेक्ट किया गया है, जो सिलीगुड़ी से गुजरता है। दार्जिलिंग टी और टिम्बर इस रीजन के इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस को और भी बढ़ाते हैं। स्ट्रैटेजिकली सिलीगुड़ी कॉरिडोर रेलवेज और रोडवेज द्वारा LAC के पास मिलिट्री स्टेशन को कनेक्ट करने में हेल्प करता है। जैसे NH-31 एक स्ट्रैटेजिक हाईवे है जो सिलीगुड़ी को असम के गुवाहाटी से कनेक्ट करता है। इसी के साथ NH-10 सिलीगुड़ी को सिक्किम के गैंगटॉक से कनेक्ट करता है, जहां आर्मी कॉर 33 लोकेटेड है। न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन NJRS, जो बांग्लादेश बॉर्डर के पास लोकेटेड है, गुवाहाटी से रेलवे द्वारा कनेक्टेड है। यहाँ से रोडवे द्वारा अरुणाचल प्रदेश के तवांग को कनेक्ट किया गया है, जो LAC से सिर्फ 25 किलोमीटर पर है। तवांग में आर्मी 4 कॉर्प लोकेटेड है। वहीं न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन को आर्मी 3 कॉर्प हेडक्वार्टर दीमापुर नागालैंड और डिब्रूगढ़ असम से कनेक्ट किया गया है। इस प्रकार रोड और रेलवे नेटवर्क द्वारा मिलिट्री फॉर्मेशंस को एसेंशियल सप्लाई कॉरिडोर द्वारा किया जा रहा है। इसके अलावा इस कॉरिडोर द्वारा इंडिया के एक्ट ईस्ट पॉलिसी को भी बूस्ट मिल सकता है। मल्टीपल कंट्रीज इस कॉरिडोर को बॉर्डर करते हैं, जैसे नॉर्थ बंगाल के मालदा, नॉर्थ दिनाजपुर, साउथ दिनाजपुर, जलपाईगुड़ी, कूच बिहार बांग्लादेश को बॉर्डर करते हैं। वहीं अलीपुर द्वार भूटान और दार्जिलिंग भूटान और नेपाल को बॉर्डर करता है।
इस तरह एक इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल बॉर्डर रूट के रूप में सिलीगुड़ी कॉरिडोर आसियान कंट्रीज के साथ बेटर ट्रेड रिलेशन स्टैब्लिश करने में भी हेल्प कर सकता है। वहीं बांग्लादेश से इलीगल इमिग्रेशन, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म और इस्लामिक रेडिकलाइजेशन, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में इंसर्जेंसी और एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स को कंटेन करने में कॉरिडोर अहम भूमिका निभाता है। साउथ ईस्ट एशिया गोल्डन ट्रायंगल के लिए नोटोरियस है, जहां म्यांमार, थाईलैंड और लाओस के बीच ऑर्गेनाइज क्राइम और ड्रग ट्रैफिकिंग प्रेवलेंट है। इंडिया के कई स्टेट्स जैसे त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश इस रीजन को बॉर्डर करते हैं। यहां से नॉर्थ ईस्ट रीजन में ड्रग ट्रैफिकिंग किया जाता है, जो इंडिया के लिए मेजर इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर को सिक्योर कर हम ड्रग ट्रैफिकिंग के इशू को भी रोक सकते हैं। फाइनली सिलीगुड़ी कॉरिडोर चाइना के तिब्बत रीजन के प्रॉक्सिमिटी में लोकेटेड है, जहां चाइना ने कई रोड्स और एयर स्ट्रिप्स कंस्ट्रक्ट किए हैं। इस कॉरिडोर द्वारा हम चाइनीज एक्टिविटीज पर नजर रख सकते हैं और वॉर सिचुएशन में ट्रूप्स और वेपनरी को मोबिलाइज कर सकते हैं। इस तरह हम देख सकते हैं कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर इंडिया के लिए स्ट्रैटेजिकली कितना इंपॉर्टेंट है। इस रीजन को सिक्योर करने के लिए इंडिया ने कई स्टेप्स लिए हैं। स्ट्रैटेजिकली इंडिया ने इस कॉरिडोर पर दो एयर बेसिस स्टैब्लिश किए हैं, बगडोगरा और हसीमार। ये बेसिस कॉरिडोर के वेस्टर्न और ईस्टर्न पोर्शन को एडिशनल सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे। इस प्रकार रोड्स और रेलवेज के बाद एयरवेज इंडिया को स्ट्रैटेजिक डेप्थ प्रोवाइड करेगा। वहीं 2019 में बीआरओ ने इंडिया के भीम बेस को डोकाला रीजन से मोटरेबल रोड द्वारा कनेक्ट किया। ये रोड ट्रैवल टाइम 7 आवर्स से 40 मिनट्स कर देगा। इसी के साथ जून 2021 को डोकाला रीजन में डबल लेन क्रॉस 70 मॉड्यूलर ब्रिज बिल्ड किया गया है। इन स्टेप्स द्वारा डोकाला रीजन में कनेक्टिविटी स्ट्रेंथन की जा रही है। वहीं नॉर्थ ईस्ट रीजन का डेवलपमेंट इस कॉरिडोर के लिए वाइटल है। इस डायरेक्शन में 2017 में जापान इंडिया एक्ट ईस्ट फोरम के तहत कई प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए गए हैं, जैसे कनेक्टिविटी, हाइड्रो पावर, स्किल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक्सेट्रा। इसके अलावा नेबरिंग कंट्रीज के साथ कनेक्टिविटी बढ़ने के लिए इंडिया ने कई स्टेप्स लिए हैं। ट्राइलेटरल हाईवे थ्रू मणिपुर के मोरे को म्यांमार से होते हुए थाईलैंड के माइसॉट से कनेक्ट किया जाएगा। इवेंचुअली इस हाईवे को लाओस, कंबोडिया और वियतनाम के साथ कनेक्ट किया जाएगा। इस स्टेप द्वारा नॉर्थ ईस्ट की इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा। इसके अलावा कालादन मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट के तहत कोलकाता को म्यांमार के सितवे पोर्ट से कनेक्ट किया जाएगा और फाइनली सितवे को मिजोरम से। इस स्टेप के तहत हमें नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए एक अल्टरनेटिव रूट मिल जाएगा। फाइनली इस रीजन को अगर सिक्योर करना है तो बांग्लादेश एक स्ट्रैटेजिक पार्टनर के रूप में इंपॉर्टेंट है। 2020 में एक लैंडमार्क एग्रीमेंट के तहत बांग्लादेश ने इंडियन गुड्स को चिटेगोंग पोर्ट के थ्रू कोलकाता से अगरतला गुड्स ट्रांसपोर्ट करने की परमिशन दी थी। इस स्टेप के तहत जहां पहले हमें कॉरिडोर के डिफिकल्ट टेरेन से गुजरते हुए नॉर्थ ईस्ट में जाना पड़ता था, अब हमें चिकन नेक का एक अल्टरनेटिव रूट मिल चुका है। जहां इंडिया इस रीजन को पीसफुली डेवलप करना चाहता है, वहीं चाइना ने कुछ रीसेंट डेवलपमेंट्स द्वारा इस रीजन को डीस्टेबलाइज कर केओस क्रिएट किया है। आइए हम इन डेवलपमेंट्स पर एक नजर डालते हैं। पहला है डोकलम इशू। दोस्तों, डोकलम प्लेटू वो एरिया है जहां इंडिया, भूटान और चाइना के बॉर्डर्स मिलते हैं। भूटान के अनुसार इस प्लेटू के डोकाला पास में ट्राई जंक्शन पॉइंट लोकेटेड है, और क्योंकि डोकाला पास सिक्किम सेक्टर में लोकेटेड है, इंडियन आर्मी इसे गार्ड करती है। चाइना ने इस असर्शन को कभी एक्सेप्ट नहीं किया। 2017 में चाइना ने इस कंटेंशन रीजन पर रोड कंस्ट्रक्ट करना शुरू किया। इस रोड द्वारा चाइनीज टेरिटरी जेदोंग को डोकलम से कनेक्ट करने का प्लान है। इस लिंकेज के तहत चाइना इजिली अपने ट्रूप्स और एम्यूनिशंस को बॉर्डर पर मोबिलाइज कर सकता है। रोड के नाम पर चाइना दरअसल ट्राई जंक्शन पॉइंट को डोकाला से गमोचन शिफ्ट करना चाहता है, जिससे उन्हें ऑपरेशंस करने में आसानी हो। इंडिया ने जून 2017 को इसे स्ट्रिक्टली अपोज करते हुए ट्रूप्स मोबिलाइज किए और सिचुएशन को कंट्रोल में लिया। अब हम बात करेंगे अरुणाचल प्रदेश की। चाइना ने ड्यूबियस मैप्स को यूटिलाइज कर अरुणाचल में अपना टेरिटोरियल क्लेम किया है। इस क्लेम को स्ट्रेंथन करने के लिए उन्होंने कई इंटिमिडेटिंग टैक्टिक्स को यूज किया है। 2015 में चाइना ने ब्रह्मपुत्र रिवर पर जांगमू डैम प्रोजेक्ट शुरू किया। ब्रह्मपुत्र नॉर्थ ईस्ट रीजन की लाइफलाइन है। ये रिवर तिब्बत से ऑरिजिनेट होते हुए नॉर्थ ईस्ट रीजन में एंटर करती है। डैम का इम्पैक्ट न केवल नॉर्थ ईस्ट पर होगा, पर लोअर रिपेरियन स्टेट बांग्लादेश पर भी होगा। वही चाइना का वेस्टर्न थिएटर कमांड चेंगडू में लोकेटेड है, जो अरुणाचल के काफी करीब लोकेटेड है। रिसेंटली तिब्बत के टाउन लिहासा को निंगची टाउन से रेलवे द्वारा कनेक्ट किया गया है। निंगची अरुणाचल प्रदेश के अपर सियांग डिस्ट्रिक्ट में
क्यूटिंग सेक्टर के अपोजिट में सिर्फ 40 किलोमीटर पर लोकेटेड है। इस रेलवे लाइन को चेंगडू से कनेक्ट कर बॉर्डर रीजन को डिस्टेबलाइज किया जा रहा है। वहीं जनवरी 2021 में सैटेलाइट इमेजेस ने रिवील किया कि चाइना ने इंडियन बॉर्डर पर एक नया विलेज डेवलप किया है जिसमें करीब 101 हाउसेज हैं। ये विलेज अपर सुबानसिरी डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है जो एक इंडियन टेरिटरी है। चाइना ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत नेबरिंग कंट्रीज में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना शुरू किया है। नेपाल 2018 में चाइना और नेपाल के बीच ट्रांस हिमालयन मल्टी डायमेंशनल कनेक्टिविटी नेटवर्क अनाउंस किया गया। इस इकोनॉमिक कॉरिडोर के तहत कई प्रोजेक्ट्स को अंजाम दिया जाएगा, जैसे चाइना नेपाल रेलवे लाइन जो काठमांडू को सिघाट से तिब्बत से कनेक्ट करेगा। वहीं अरानिको हाईवे अपग्रेड कर नेपाल में बॉर्डर पोर्ट डेवलप किया जाएगा। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए 3 नॉर्थ साउथ कॉरिडोर्स स्टैब्लिश किए जा रहे हैं, कोशी, गंदकी और करनाली इकोनॉमिक कॉरिडोर। म्यांमार, अगर हम बात म्यांमार की करें तो चाइना ने रखीन प्रोविंस में क्योकपू पोर्ट डेवलप किया है। वहीं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के पास ग्रेट कोको आइलैंड पर नेवल फैसिलिटी डेवलप किया है। इन स्टेप्स द्वारा चाइना बे ऑफ बंगाल रीजन में अपनी हेजमनी एसर्ट करना चाहता है। साथ ही क्योकपू पोर्ट को यूनान प्रोविंस से कनेक्ट कर स्ट्रेट ऑफ मलक्का को साइड स्टेप करना चाहता है। वहीं यंगॉन सत्वे रोड प्रोजेक्ट द्वारा चाइना शॉर्टेस्ट रूट टू इंडियन ओशन डेवलप कर रहा है जिससे वो बे ऑफ बंगाल पर अपना होल्ड स्ट्रेंथन कर सके। चाइना ने म्यांमार आर्मी के साथ कॉर्डियल रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर इंडिया के नॉर्थ ईस्ट बॉर्डर को थ्रेटन किया है। म्यांमार का रखीन स्टेट ऑयल और नेचुरल गैस से भरपूर है। इस स्टेट को यूनान से पाइपलाइन द्वारा कनेक्ट कर चाइना ने मिडिल ईस्ट पर अपना डिपेंडेंस कम किया है। बांग्लादेश, फाइनली चाइना ने अब बांग्लादेश को अपने स्ट्रेटजिक स्फीयर में लाने की कोशिश की है। बायलेटरल इकोनॉमिक रिलेशन इंप्रूव करने के लिए 1 जुलाई 2020 को चाइना ने 97% बांग्लादेशी प्रोडक्ट को ड्यूटी फ्री एक्सेस दिया। इसके अलावा चाइना ने $1 बिलियन इन्वेस्ट कर तीस्ता रिवर रीस्टोर करने का ऑफर दिया है जिसमें कई एम्बैंकमेंट्स या अनप्रेस्ड प्लेटफॉर्म्स इरेक्ट किए जाएंगे। इसका सीधा इम्पैक्ट इंडिया के लोअर रिपेरियन स्टेट्स पर होगा। कनमिंग चिटेगोंग रोड लिंक द्वारा रोड कनेक्टिविटी इशू को रिजॉल्व किया जाएगा। वहीं डिफेंस में चाइना ने चिटेगोंग पोर्ट में एंटी शिप मिसाइल लॉन्च पैड क्रिएट किया है। 2016 में $11 to $15 बिलियन इन्वेस्ट कर चाइना ने पायरा डीप सी पोर्ट डेवलप किया। इसके बाद 2019 में चिटेगोंग मोंगला पोर्ट का एक्सेस देकर चाइना ने बे ऑफ बंगाल रीजन में इंट्रूड करना शुरू किया है। इस तरह चाइना ने इंडिया के चिकन नेक को थ्रेटन करने के लिए अपने इकोनॉमिक माइट को यूज कर इंडिया के ट्रेडिशनल स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में इंट्रूड किया है। इन स्टेप्स द्वारा हम चाइना के फ्यूचर इंटेंशंस का एक अनुमान तो लगा ही सकते हैं। चाइना द्वारा लिए गए स्टेप्स नॉर्थ ईस्ट रीजन में अपना डीप इन्फ्लुएंस बनाने की कोशिश हो सकता है। वहीं चाइना ने वेस्टर्न फ्रंट में CPEC द्वारा इंडिया के POK रीजन में इंट्रूड किया है और ईस्टर्न फ्रंट में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के तहत LAC पर अपने होल्ड बनाने की कोशिश की है। इन स्टेप्स द्वारा इंडिया को दोनों फ्रंट वेस्टर्न और ईस्टर्न पर थ्रेटन करने की कोशिश हो सकती है। इकोनॉमिकली इस कॉरिडोर को कैप्चर कर चाइना स्ट्रेट ऑफ मलक्का जैसे सेंसिटिव चोक पॉइंट पे अपनी डिपेंडेंसी कम करने की कोशिश कर सकता है। वहीं इस कॉरिडोर को चिटेगोंग पोर्ट से कनेक्ट कर चाइना बे ऑफ बंगाल रीजन में अपना डोमिनेंस असर्ट करने की कोशिश कर सकता है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि कैसे चाइना ने साउथ ईस्ट एशिया पर अपना डोमिनेंस असर्ट किया है। दोस्तों, ये कॉरिडोर बांग्लादेश बॉर्डर के ठीक नॉर्थ में लोकेटेड है, इसी कारण बांग्लादेश का स्ट्रेटजिक सिग्निफिकेंस और भी बढ़ जाता है। बांग्लादेश का स्ट्रेटजिक लोकेशन चाइना के लिए एक एडवांटेज है। अगर हम लैंड बॉर्डर्स की बात करें तो 3/4 एरिया इंडिया के साथ शेयर होता है। ये चाइना को सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर नजर रखने में मदद करेगा। साथ ही बांग्लादेश डायरेक्टली बे ऑफ बंगाल में ओपन होता है जिसके मदद से चाइना इंडियन ओशन रीजन पर अपना डोमिनेंस असर्ट कर सकता है। साथ ही स्ट्रेट ऑफ मलक्का जो कि इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट बन चुका है उस पर अपनी डिपेंडेंस कम कर सकता है। जहां चाइना बांग्लादेश के मदद से इंडिया को थ्रेटन करना चाहता है उनके लिए सेंसिटिव सिलीगुड़ी कॉरिडोर को ब्रेक करना आसान नहीं होगा। बांग्लादेश इंडिया द्वारा 3/4 एरिया में सराउंडेड है। इसी के साथ बांग्लादेशी आर्मी का इंडियन आर्मी के मुकाबले कोई कंपैरिजन नहीं। अगर बांग्लादेश कोई मिसस्टेप लेता है तो इंडिया उसे इजिली काउंटर कर सकता है। वहीं इंटरनेशनल प्रेशर के कारण चाइना ऐसा अग्रेसिव स्टैंड कभी नहीं ले सकता। चाइना जो एक राइजिंग पावर है कभी नहीं चाहेगा कि उनका इंटरनेशनल स्टैंडिंग वीक हो। उन्होंने मिलिट्री एडवेंचर के बजाय BRI के थ्रू इकोनॉमिक पावर यूज कर कंट्रीज को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की है।
दूसरी तरफ अगर कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता है तो इंडिया के साथ उनका प्रॉफिटेबल ट्रेड रिलेशनशिप भी हैम्पर हो सकता है। अगर हम इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बांग्लादेश इंडिया का एक स्ट्रैटेजिक पार्टनर है। इंडिया के चिकन नेक को सिक्योर करने के लिए बांग्लादेश एलाई के रूप में हेल्प कर सकता है। 2020 के लैंडमार्क एग्रीमेंट के तहत कोलकाता अगरतला लिंकेज वाया चिटागोंग पोर्ट इंडिया के लिए एक वायबल ट्रेड रूट बन सकता है, जो हमें नॉर्थ ईस्ट रीजन में जल्दी पहुंचने में हेल्प करेगा। दोस्तों, इस प्रकार हम देख सकते हैं कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर का इंडिया के जियो स्ट्रेटेजिक स्फीयर में कितनी इंपॉर्टेंस है। चाइना के हेजिमेनिक पोस्चर के बाद ये वाइटल लिंक और भी सिग्निफिकेंट बन जाता है। अगर इंडिया को इस कॉरिडोर को सिक्योर करना है तो यहाँ कई ऑप्शंस हैं, जैसे सबसे पहले इंडिया को नॉर्थ ईस्ट रीजन में कनेक्टिविटी एंश्योर कर डेवलपमेंट पर फोकस करना चाहिए। इसी के साथ डोकाला रीजन में कनेक्टिविटी स्ट्रेंथन करके हम चाइनीज डिटरेंस को हैंडल कर सकते हैं। थर्ड ऑप्शन है कि इंडिया को बांग्लादेश के साथ ट्रीटी साइन करनी चाहिए, जिसके तहत हम कॉन्फ्लिक्ट के दौरान मिलिट्री, सिविलियन और ट्रेड ट्रैफिक कैरी कर सकें। वहीं टेटुलिया कॉरिडोर को रिवाइव करना चाहिए। टेटुलिया कॉरिडोर एक 4-6 किलोमीटर पैसेज है, जो वेस्ट बंगाल के नॉर्थ दिनाजपुर डिस्ट्रिक्ट को जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट से बांग्लादेश के टेटुलिया उपजिला द्वारा कनेक्ट करेगा, जिससे डिस्टेंस 82 किलोमीटर तक रिड्यूस होगा। अगर इंडिया को कॉरिडोर सिक्योर करना है तो हमें भूटान के साथ अच्छे रिलेशनशिप रखने चाहिए। 2007 में इंडिया भूटान फ्रेंडशिप ट्रीटी के तहत इंडिया ने वर्चुअली भूटान को सिक्योरिटी प्रो गारंटी किया है। 2017 में डोकलाम क्राइसिस के वक्त दोनों कंट्रीज ने डटकर चाइना का सामना किया और अपने लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप को दर्शाया। रीजनल प्लेयर के साथ जापान भी इस रीजन में एक मेजर प्लेयर है। चाइनीज असर्शन को रोकने के लिए उन्होंने नॉर्थ ईस्ट डेवलप करने में इंडिया की हेल्प की है। नॉर्थ ईस्ट के अलावा अंडमान एंड निकोबार में चेन्नई पोर्ट ब्लेयर ऑप्टिकल फाइबर प्रोजेक्ट और पावर ग्रिड प्रोजेक्ट द्वारा इंडिया के मैरिटाइम सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन किया है। मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन जैसे बिम्स्टेक, क्वाड, आसियान के साथ अपने रिलेशंस को इन्हांस कर हम बे ऑफ बंगाल रीजन के साथ साउथ ईस्ट एशिया में भी अपना स्टैंड मजबूत कर सकते हैं। बिम्स्टेक, जो बे ऑफ बंगाल रीजन के कंट्रीज का ऑर्गेनाइजेशन है, इंडिया को परफेक्ट प्लेटफॉर्म देता है जिससे वो इस रीजन की सिक्योरिटी को लीड कर सके। वहीं आसियान के साथ एग्रेसिव ट्रेड रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर चाइनीज थ्रेट को नलीफाई कर सकते हैं। फाइनली, मिलिट्री ऑप्शन के तहत डबल हुक स्ट्रेटजी इंडोनेशिया के सबांग पोर्ट और ऑस्ट्रेलिया के कोकोस आइलैंड द्वारा हम चाइनीज डोमिनेंस को काउंटर कर सकते हैं। दोस्तों, इस तरह आज हमने जाना भारत के एक ऐसे जियो स्ट्रेटजिक लोकेशन के बारे में जो हमारे नॉर्थ ईस्ट रीजन की ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री डिसाइड कर सकता है। नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट, रीजनल कनेक्टिविटी और डिप्लोमेसी हमें सिलीगुड़ी कॉरिडोर में लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी दिलाने में हेल्प कर सकता है। इंडिया को जल्द ही चाइना के साथ लॉन्ग टर्म बॉर्डर सॉल्यूशन डेवलप करना चाहिए। इससे हम एजुकेशन, हेल्थ और इंटरनल इश्यूज पर ज़्यादा फोकस कर सकेंगे। दोस्तों, आज के वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।